मैं उड़ीसा का, मैं उड़ीसा से विजय सिंह बोल रहा हूँ। उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास 15 किलोमीटर दूर पिपली, जिसका पूरी हमारा रेड डिस्ट्रिक्ट है, गांव का नाम पिपली है। 3 साल हो गया मैं यहाँ श्रीराम रेफ्रिजरेशन से ये वाला 10 टन का प्लांट लिया था। अभी इस महीने मैंने 2 प्लांट और 5-5 टन का लिया हूँ। जिस 5 टन का प्लांट ये फैक्ट्री गई, इस प्लांट को उस तरफ लगा हुआ है 150 kg वाला, और एक प्लांट कणास जागुड़िया बाजार में लगा है, वो भी 50 kg वाला, 5-5 टन का 2 प्लांट लिया हूँ। और आइस तो 24 घंटे में कंप्लीट मिल जाता है, वो 150 kg वाला भी 24 घंटे में मिल जाता है, ये वाला भी 24 घंटे में मिल जाता है, और कणास भी मिल जाता है मुझे। और बाकी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस प्लांट में, ऑटोमेटिक प्लांट है। कभी कभार कुछ भी फॉल्ट हो जाता है ए वायर वगैरह में, तो हम लोग वो जो हार्दिक दबे हैं CO हैं, उनसे फ़ोन पे और वो जो उनका स्टाफ है, हेल्पलाइन नंबर है, रात को कभी भी फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन पे शट आउट हो जाता है। एक बार हुआ था ऐसा कि एक ऐसा फॉल्ट आ गया जिसे मैं जान नहीं पाया, फिर वो हार्दिक भाई ने तुरंत सवेरे एक आदमी को फ्लाइट में भेज दिया, और 1 घंटे में काम करके वो शाम को चला गए हुए। और आइस का ऐसा आइस, आपने मेरा पहला जो वीडियो था पूरा सूखा वाला आइस, जिस आइस में हाथ लगाओगे तो पानी नहीं लगेगा। यहाँ से आइस 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाता है, वो भी क्रॉसिंग होके, और क्या बोलूँ, आइस तो हो तो श्रीराम रेफ्रिजरेशन का, और उड़ीसा में मेरा राजपूत इंटरप्राइजर्स का, जिसको आइस बोलते हैं। नमस्कार।